तो हेलो का इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल का इज हेज़ यू नो आई एम इन फिनलैंड इन हेल्सिंग की नाउ सो गुड मॉर्निंग ऑल हाउ यू आर डूइंग वेल आई थिंक टूडे इज गुड वेदर आई थिंक सनी डेस्टरडे टू मच ट्रेनिंग देयर इन हेल्सिंग की सो हम सुबह उठ चुके हैं ये सुबह की शुरुआत हो गई हमारी और ये देखिए आप हमारे कपड़े जो हैं ऐसे खिलरे बड़े हैं हमारी जो है हिंदी और पंजाबी थोड़ी सी मिक्स है तो प्लीज़ माइंड मत करना तो हमारा कई बार हिंदी में हार्ट टाइट हो जाता है तो इसी वजह से ये देखिए हमारा बेड का और हम बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर आए हमारा सफ़र कैसे शुरू हुआ तो आपको सब स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं तो आइए शुरू करते हैं तो जब मेरा वीज़ा आया इंडिया तो दैट टाइम <coughs> वैसे तो खुशी होती है सबको मुझे भी बहुत खुशी हुई तो मैं स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आया तो कैसे मैंने अपार्टमेंट हायर किया रहने के लिए और कैसे मैं फ़्लाइट पे चढ़ के आया और क्या क्या मुझे दिक्कत परेशानी हुई मैं आपको सब शेयर करूँगा अपने इस वीडियो में आप प्लीज़ बने रहे मेरे साथ और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या दिक्कतें हुई मेरा लगेज भी मिसिंग हो गया था एयरपोर्ट पर सो so, बने रहे मेरे मेरे साथ वीडियो में यह मेरा रूम का व्यू तो सुबह हो गई है सुबह तो खैर क्या आई थिंक आफ्टरनून ही हो गया अब ब्रेकफास्ट वग़ैरह हमने कर लिया और अब हम फ्री हैं क्योंकि अभी यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है आपको दिखाऊंगा मैं फिनलैंड में लाइफ कैसे है बहुत इजी नहीं है यहाँ पे लाइफ छः महीने यहाँ पे बर्फ रहती है और छः महीने यहाँ पे समर्स तो गर्मी का हो रहता है तो देखते हैं अभी तो हम विंटर्स में हैं तो बाहर बर्फ़ है कल बारिश थी और आज तो धूप निकली हुई है पहले तो माइनस में ही था टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन अब कुछ ऐसा है कि ठंड थोड़ी कम हो गई है तो हम बात कर रहे थे इंडिया की तो इंडिया से जो मेरा स्टार्टिंग वो था मैं राजपुरा का रहने वाला हूँ और मैंने राजपुरा एगल मॉडल से पी की बस पकड़ी और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे टी थ्री पे उतरा और उसके बाद आ, मेरा बोर्डिंग वगैरह मैंने करवाया जैसे सभी करवाते हैं <laughs> और मैंने बोर्डिंग करवाया तो बोर्ड बोर्डिंग में बहुत टाइम लग गया क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैंने जो फ़्लाइट बुक की थी वो मैंने बुक की थी मैकमाई ट्रिप से और जो मैंने फ़्लाइट बुक की वो मैंने की थी विस्तारा और लु्तान तो आई डोंट नो किसी टेक्निकल इशू की वजह से आ, मैं विस्तारा में ट्रैवल नहीं कर पाया तो उन्होंने मेरा जो है विस्तारा से चेंज करके एयर इंडिया कर दिया तो पहले मैं विस्तारा के काउंटर पे गया वहाँ से चेक करवाया तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे नहीं होगा चेक इन आपका एयर इंडिया पर ही होगा तो फिर मैं एयर इंडिया पर गया एयर इंडिया पर उन्होंने बहुत देर लगाई उनके पास जो है बुकिंग रिट्रीव नहीं रही थी क्योंकि एक दिन पहले ट्वेंटी बिफोर ट्वेंटी फोर आवर जो है बिफोर फोर्टी एट आवर सॉरी जो है बुकिंग होती है तो उनके पास सारा वो होता है तो उनको बहुत टाइम लगा मेरे को चेक इन करवाने में और फाइनली मैंने फिर चेक इन करवा लिया एयर इंडिया से फिर मैंने आ, मेरे पास कार थे मैं लॉन्च गया लॉन्च एक्सेस किया मैंने एक डेढ़ घंटा मैं वहाँ पर बैठा फिर मेरा फ़्लाइट का टाइम होगा, फिर मैं वहाँ से उठ के जो है डायरेक्टली फ्लाइट की तरफ गया जिस गेट नंबर पे मेरा फ्लाइट फ्लाई करना था तो मैं गया फ्लाइट में बैठा तो आ, मेरा डायरेक्ट फ्लाइट आ, नहीं था फिनलैंड हेलसिंकी के लिए सॉरी तो मेरा कनेक्टेड फ्लाइट था आ, विस्तारा लुफ्तानजा लेकिन आ, फिर कनेक्टेड हो गया एयर इंडिया लुथानजा तो जैसे ही हम एयर इंडिया में बैठे तो मेरा पहला स्टॉप था फ्रैंकफर्ट जो कि ढाई घंटे का स्टॉप था तो जैसे ही हम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंचे इमिग्रेशन क्लियर करा फिर सिक्योरिटी चेक करके हम आगे फ्लाइट लेने के लिए टर्मिनल चेंज वगैरह किया तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे गेट नंबर पे जहाँ से हमारा फ्लाइट होना था तो वो कहते आपका फ़्लाइट जो है ऑलरेडी उड़ गया तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि फ़्लाइट कैसे उड़ गया बिकॉज ये सब इसी वजह से हुआ वहाँ पर चल रही थी स्ट्राइक जर्मन में तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जितने भी लुफ्तानजा की फ्लाइट्स थी वो सब कैंसिल हो चुकी थी दैट डे और कैंसिल होने की वजह से हमारा भी फ्लाइट कैंसिल था तो हम फ्लाई नहीं कर सके और हम हम फिर लुथानजा के जो हेल्पलाइन पे गए उन्होंने बोला भी आप लोग के हेल्पलाइन पे जाओ तो हम वहाँ पर हेल्पलाइन पर गए तो हमने उनको बोला कि हमारा ऐसे ऐसे फ़्लाइट था हमने उनको बोर्डिंग पास वगैरह सब दिखाया तो क्या हुआ उन्होंने बोला कि फ़्लाइट तो अभी कोई है नहीं कोई फ्लाई नहीं करेगा आपको मॉर्निंग फ्लाइट का बोर्डिंग पास दे देते हैं आ, हमने बोला अभी हम फिर स्टे कहाँ पे करेंगे वो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए जो भी आपका स्टे करने का जो भी आपका टैक्सी का और जो भी आपका फ़ूड का होगा वो सब हम करेंगे तो हमने कहा चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास तो हमने एक दिन फिर जर्मनी में स्टे किया तो उनका ही फ्रैंकफर्ट पे 10 दस या बारह किलोमीटर दूर कुछ होटल था जो उन्होंने दिया जो जिसका उन्होंने हमें एक वॉचर सा दिया है ना तो एक टैक्सी का वॉचर दिया तो आ, उस फ्लाइट में जितने हम थे उसमें से हम चार ही पंजाबी लोग मेरे साथ तीन और थे जब कर रहे थे तो हम वहाँ पे इकट्ठे जर्मनी एयरपोर्ट में मिले तो फिर हमें सबको एक एक अलग अलग रूम दिया गया वहाँ पे होटल में होटल भी बहुत बढ़िया था रात को बर्फेट खाने के लिए डिनर भी बर्फेट मिला और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी बर्फेट मिला फिर हमारा सुबह नाइन का फ्लाइट था तो हमें टैक्सी के वॉचर्स भी मिले टैक्सी हमारी शेयरिंग में थी रूम हमारे सेपरेट थे तो हम बस आ, रूम्स आ, में फिर टैक्सी में बैठ के टैक्सी में बैठ के हम रूम्स की सॉरी होटल की तरफ चले गए होटल में जाके हमने स्टे किया चेक इन किया और खाना वगैरह खाया व पे और सो गए क्योंकि थके हुए थे एक दिन पहले साढ़े तीन बजे की बस थी सुबह की तो पूरा रात वो नहीं सोए पूरा दिन फ्लाए तो आपको फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसा रहा एयर इंडिया के साथ एक्सपीरियंस तो आज का वीडियो था जो वो जर्मन तक था आ, हमने जर्मन में स्टे किया रात को नाइट को तो हम वापस हो गए हमने आ, फ्लाइट हमारा नेक्स्ट डे था तो आपको नेक्स्ट डे की कहानी हलसिंकी तक की नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊँगा थैंक यू बने रहे मेरे साथ मैं आपको और वीडियोज़ जो है बनाता रहूँगा आपके लेके आता रहूँगा जो मुझे लगेगा कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे एवरी वन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको और भी अपडेट्स मैं देता रहूँ अच्छे अच्छे थैंक यू सो मच